से ना दोनों लोग इधर भाई रिकॉर्डिंग चल थैंक यू अशर भाई यहां देखो आज टेक्निकली सना यहां देखो सना यहां देखिए चला रहे हैं भाई सुन ना डबल बाइक की करवा क्या कहना चाहेंगे मोहब्बता के रिलीज पे आप पहुंचे हैं कैसा लगा आपको मोहब्बता रियली 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 मैं झकास से शुरू करूंगा और झकास पर ही खत्म करूंगा सबसे पहली बात तो कयामत से कयामत तक और क्या बोलना चाहिए मैंने प्यार किया के बाद अगर कोई एक मासूम मोहब्बत अगर देखने को मिली है मुझे स्क्रीन पर तो वो थी मोहब्बता अशर ने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और बहुत ही प्यारी आवाज़ बहुत अच्छी कंपोजिंग बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी और क्या बोलना चाहिए मतलब इस एल्बम के हर पहलू पर निगाह डाले हीरोइन से लेकर हीरो तक तो बस इतना ही कहूँगा मोहब्बता झकास मोहब्बता इससे ज़्यादा क्या कहना गाजी सर क्या कहेंगे इस गाने के लिए आपको कैसे एक गाना जब पहली बार कॉम्पोजिशन सुनी तो मुझे लिखते वक्त मैंने सोचा कि इस पे जो मेरा एक्चुअली जो तरीका होता है लिखने का वैसा ना लिखा जाए इसको एक रॉनेस इसके लिरिक्स में होना चाहिए तो मैंने उसका ख्याल रखा गाना तो अच्छा बन गया और बड़ा एक फिक्र थी कि इसका वीडियो कैसा बनेगा अशर पहली बार एक्टिंग करने जा रहे थे और ये तो माशाल्लाह है ही सना काम जानती हैं लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो मैं हैरान था कि अशर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की और बड़ी उम्मीदें हैं इससे मुझे लगता है कि बॉलीवुड में शायद इसको लॉन्च करना पड़ेगा क्या बात है ठीक है बस यही है अच्छा लगा इंशाल्लाह गाना हिट होगा देखिए इंडस्ट्री में अच्छी म्यूजिक और अच्छी राइटिंग पे भी काम हो रहा है लेकिन रैप की तरफ भी लोग बढ़े हुए हैं और ऐसे मोमेंट पे अगर गाना आपके हाथ में आता है कि गाना हिट भी देना है और जिम्मेदारी आपको दी गई है तो इसमें राइटिंग पे कितना जोर दिया जाता है और कैसे दिया जाता है राइटिंग अभी बहुत लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं ये बड़ी खुशी की बात है कि अब वो एक दौर था कि जब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ख़राब गाने के एग्जांपल देते थे कि भाई इस टाइप का हमें कुछ चाहिए अभी है कि अच्छे गानों के एग्जांपल दे रहे हैं तो उम्मीद है कि अच्छा काम बाहर आएगा बट वी आर प्लानिंग फॉर अ मराठी फिल्म मराठी फीचर फिल्म बहुत अच्छी फिल्म लिखी है मेरे जो एसोसिएट डायरेक्टर है इस गाने के विश्वजीत ने बहुत रियल स्टोरी है बहुत जल्द से मोहब्बत के तुरंत बाद हम उस पर मूव ऑन करने वाले हैं वी आर मूविंग टू द प्री प्रोडक्शन साइड ऑफ द फिल्म सो या आई एम अल्टीमेटली फोकसिंग मोर ऑन द फीचर साइड एंड मोर एल्बम्स इंशाल्लाह एंड लॉट ऑफ बिग अनाउंसमेंट्स टू कम इन फ्यूचर बढ़िया था मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह लास्ट ईयर आप लोग सब थे मेरे फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च पे शहर पे एक साल का गैप लिया मैंने मोहब्बता के लिए वॉज ट्राइंग टू मेक समथिंग क्रंजी एंड आज के ट्रेंड के हिसाब से सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था म्यूजिक टीम काफ़ी बड़ी थी डायरेक्ट वीडियो टीम मेरी सेम थी And one more addition to the family, mashallah, Sana is here. Sana Sultan Khan acted in the song and she's been a great support. और मेरा acting debut हुआ last year. आप लोग की बहुत शिकायत थी कि तुमने क्यों नहीं किया वीडियो में काम तो वो शिकायत दूर करने की कोशिश की है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फैमिली है सोशल मीडिया की फैमिली है दे वॉन्टेड मी टू एक्ट सो या सना की नई एंट्री है इससे पहले क्या प्रोफाइल क्या आपका सना बात सना बहुत खूबसूरत लग रही थी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बहुत शुक्रिया सर और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा जब पब्लिक यहाँ देख रही थी तो उनकी आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी शुक्रिया कैसा रिएक्शन रहा कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा ओवरऑल वीडियो को लेकर ओवरऑल मोहब्बता के साथ एक्सपीरियंस माशाल्लाह से बहुत ही आला था बहुत ब्यूटीफुल था सबसे पहले तो को एक्टर और पूरी टीम का काम होता है अपनी एक्ट्रेस को कंफर्टेबल फील करवाना उन्होंने वो बखूबी किया जब मैंने सॉन्ग सुना आई वॉज लाइक आई वॉन्टेड टू दिस सॉन्ग बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग सॉन्ग जैसे कि आप लोगों ने सुना ये जुबान पर बैठ जाता है स्पेसिफिकली जिसका मुखड़ा है जिन्होंने देखा है मुझसे अग्री ज़रूर करेंगे सो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया आई फील लकी टू बी कास्टेड इन दिस असर ये चार पाल जो है आपके नीचे असर कर दिया है पूरे गाने में वो पे भी असर शुक्रिया कैसा एक्सपीरियंस था और आप दोनों की केमिस्ट्री माशाल्लाह अच्छी लग रही है गाने में जी शुक्रिया बिल्कुल व्हेन आई मेट सना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई थिंक लव एंड लाटे भी मिले थे हम और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है फराज अख्तर जिन्होंने जिनको मैंने कहा कि मुझे यार मैं एक्ट कर रहा हूँ उस गाने में और क्योंकि तुम कास्टिंग डायरेक्टर हो तो मेरे
हिसाब से कोई एक आप अच्छा चेहरा ढूंढ के लाए. तो द फर्स्ट प्रोफाइल वॉज सनास प्रोफाइल और देर वॉज आई वॉज डन कम्प्लीटली एंड आई शोड इट टू माई वीडियो टीम, माई डायरेक्टर एंड डी ओ पी एंड एवरीबडी एंड वी जस्ट लव द वर्क ऑफ सना एंड द वे शी वर्क्स उनके प्रोफाइल. सो हम लोग ने मीटिंग डिसाइड की है, मैंने सना को सॉन्ग सुनाया एंड देर शी वॉज इन द फर्स्ट मीटिंग, शी वॉन्टेड टू डू द सॉन्ग, सो काइंड ऑफ सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. केमिस्ट्री की बात जब आती है तो आई वॉज वेरी वेरी नर्वस बिकॉज क्या होता है ना, एक म्यूजिक फील्ड इज टोटली डिफरेंट व्हेन इट केम, इट्स कम्प्लीटली ऑफ द कैमरा, बट व्हेन कमिंग ऑन द कैमरा इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड टू ऑल द एक्टर्स हैट्स ऑफ मैन. 24 घंटे आप कट पे और एक्शन पे आप शुरू हो जाते हो, कट पे आप ख़त्म कर लेते हो एंड बैक टू द नॉर्मल. सो वो स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लस ये लव सॉन्ग था तो वो जो केमिस्ट्री थी सना के साथ वो इसीलिए अच्छी लगी, मेरे ख्याल से अच्छी लगी ना, इसीलिए अच्छी लगी बिकॉज शी मेड मी वेरी कम्फर्टेबल ऑन सेट. शी वॉज़ वेरी फ्रेंडली, शी वॉज़ वेरी काइंड. जहाँ पे मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, शी वॉज देयर टू हेल्प मी आउट. मेनी सीन्स वेयर शी वॉज लाइक अशर यू कैन डू इट एंड लिटरली हैड टू बूस्ट हिम, अशर इट्स ओके, एक्टिंग ही है, कैमरा ही, आप कर सकते हैं. व्हेन यू हैव सच को स्टार एंड व्हेन यू हैव सच पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू, सच पॉजिटिव वाइब्स, तो चीज़ें आसान हो जाती है. और दैट वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम सना इज यू नो whatever the situation is, you just have to keep smiling and you just have to keep faith in your own work aur aap usko behtar se behtar craft kariye aur everything will be fine. Sana jab ye song aapko sunaya gaya ya proposal jab aapke paas aaya to wo thoda sa share karna chahengi, wo pal kaisa raha, kaisa reaction raha aapka us samay jab aapke paas ye gana aaya? To haan, to jaise ki Ashir ne kaha, hamare common friend ne jo casting karte hai Faraz, unhone hi mujhe bola ki Sana, Ashir ek bahut acche friend hai mere, bahut acha kaam karte hai industry mein, abhi aapko unka call aayega, ab unka jo bhi hai baatcheet kar le. Maine inse baatcheet ki, pehli dafa hi mujhe bahut genuine acche lage, maine kaha chalo theek hai mulaqat करते, गाना सुनते. और जब मैंने गाना सुना, एज आई सेड, बहुत मेस्मराइजिंग था. और कभी भी ना काम करने से पहले मेरी एक चीज़ है, ऑलवेज लिसन टू द सॉन्ग. अगर वो कान में गाना यू नो छू जाए, अगर वो गाना बजे आपके कान में सुनने के बाद, अगर वो कैची रहे, आई डू इट. एंड मोहब्बता के साथ एग्जैक्टली हुआ, जिसका मुखड़ा है तेरी मोहब्बता ने ले गई दिल मेरा सोने. मैंने अपनी अम्मी को भी एक दफ़ा सुनाया था, वो गाती रहती है ये पक्का मेरे पेट पे लात मारने के चक्कर में. गाइस डोंट टेक हर सीरियसली, मैं अच्छी सिंगर भी हूँ, सुन लो. सर बात करें, हर चीज़ का एक दौर होता है, टाइम होता है गाने का, हर चीज़ का. अभी जो फिलहाल अगर पिछले एक साल की बात करें, जितने टिकटॉक के बनाने वाले हैं, सबको लेकर आए दिन रोज रोज एल्बमें लॉन्च हो रही है, गाने लॉन्च हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, आई थिंक टैलेंट है तो बाहर निकलना चाहिए. और डिसाइड करने वाली जनता है, डिसाइड करने वाली पब्लिक है, कि हम कोई नहीं होते. एज एन आर्टिस्ट हमारा यही काम है कि हम 100% ईमानदारी से उस चीज़ को निभाएं, अपने क्राफ्ट को पॉलिश करें. डिपेंड करता है कि पब्लिक के ऊपर क्या है. आई वॉज वेरी वेरी नर्वस, आई सेड टू यू दिस एंड इवन एवरीबडी इन माई टीम नोज दैट. आई वॉज कम्प्लीटली इन साइड द रूम एंड आई वॉज लाइक शिट, क्या होना, आई डोंट नो. बट एवरीबडी राइट फ्रॉम सना टू माई डायरेक्टर टू लाइकी एप पीपल टू टिप्स एंड आई वॉन्ट टू मैंशन अश्विन तिवारी साहब टिप्स के, जिन्होंने बहुत सपोर्टिवली हमको हेल्प किया. गाने की रिलीजिंग डेट थोड़ी दूर थी बट ही वॉज़ वेरी जेन्युइन एंड आई थिंक तनवीर सर की मुलाकात हुई टरानी जी से टिप्स में एंड दे मेड सम चेंजेस ओवर एंड ओवर अगेन एंड दे सेड कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दैट वी हैव ऑन आवर चैनल. सो दिस इज़ अ बिग थिंग कि एक नॉन एक्टर होकर भी अगर आप कोशिश करते हो तो लोग उसको पसंद करते हैं नो मैटर वॉट. सो टिकटॉक की बात जाता है तो इट्स गुड. कुछ चीज़ें हैं जो खटकती भी है बट कौन सी चीज़ें खटकती हैं? सब बता दें अभी, बता दो. Yes. मतलब अच्छा, तो मैं समझ में पहले इसमें कंट्रोवर्सी में आ जाऊँ मैं. नहीं, सभी क्या चीज़ें हैं? सब मेरे दोस्त हैं बट एक होता है कि आप चुप हो गए क्या? नहीं नहीं, चुप होने की बात नहीं. देर आर सम थिंग्स विच इज़ मिसिंग. आई थिंक कुछ गाने होते हैं या कुछ एक एक रोल प्ले जो होता है इस किसी गाने का, आई थिंक आप जस्ट बिकॉज ऑफ द फेम आप उसको ज़बरदस्ती खींच के फ्रेम में लेके आ सकते हो. एज अ फिल्म मेकर, एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज मैं फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट रह चुका हूँ, सो आई फील दैट अगर थिंग्स आर नॉट देयर ऑन वेल ऑन टाइम या फिर अगर वो चीज़ें क्राफ्ट में नहीं बैठ रही है, फिर ज़बरदस्ती उसको घुसा के जस्ट बिकॉज सामने वाला फेमस है, आई थिंक यू आर रूइनिंग द होल क्राफ्ट. क्योंकि टीम की मेहनत होती है, म्यूजिशियंस की मेहनत होती है, एक्टर्स की मेहनत होती है. सो आई डोंट थिंक के दैट क्वालिटी शुड मैटर ओवर क्वांटिटी एंड दैट्स व्हाट. नंबर्स आजकल ज़्यादा मैटर करने लग गया, जो एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक
कहीं ना कहीं दुख की भी बात है, बट हाँ वो बूस्ट भी करता है कि नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं वो नंबर्स हमारे भी कंटेंट पे आए. तो या एवरीथिंग इज़ गुड, सब कोई अच्छा कर रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं लेने का. बढ़िया काम. या सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ असर को, और असर का ये जो गाना है धनतेरस के दिन आया है. दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये दिवाली का हम सब की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है. इन्होंने बोल चुका है ये? मैंने नहीं बोला ये. मैं एक चीज़ और बताऊँगा. ये कंपोज करते हैं, गाना खुद गाते हैं. मैं बोला भाई इस बार मुझे उम्मीद थी कि ये वाले में मैं हूँ, ठीक है, पिछले वाले में सलमान दे, इस वाले में मुझे लगा मैं हूँ, ठीक है. लास्ट मोमेंट में पता चला अशर भाई कर रहे हैं. बोले वेरी गुड. अब तक ये था कि यार क्यों कर रहे, बट अब जब बैठ के देखा ना तो लगा भाई सही किया, बहुत कमाल का काम किया आपने. मैं बहुत अच्छा लगा, सीरियसली दिल से बोल रहा हूँ. लवली यार, सुपर फैंटास्टिक जॉब है. लाइनें गुनगुनाएंगे दोनों मिलके आप साथ में. सर मैं लिपसिंग करता हूँ आशर भाई गाना देंगे, बट जो मेरे को ताने पड़े हैं पिछले 3 महीने से, द मोमेंट आई शॉट द वीडियो टिल इट रिलीज, मतलब अब नहीं पड़ेंगे, सीरियसली बोल रहा हूँ. तेरा नशा है जो चढ़ा है क्या ये मुझको तू बता, है ये दूरी दरमियां जाने आ, तेरी मोहब्बत ने ले गई दिल मेरा सोने आ, तेरी मोहब्बत ने ले गई दिल मेरा सोने आ. इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक सॉन्ग. आप जल्द से जल्द उसे YouTube पे देखें, लाइक करें, शेयर करें और उस पर कॉमेंट्स करें. मेरे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार दें. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल.